हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर, और आज मैं आपको अपने बालकनी में खिले हुए बेली का फूल दिखाने लाई हूँ। फ्रेंड्स, यह देखिए फ्रेंड्स, बारिश अभी एक घंटा पहले बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी, तो मैं तो सोची कि शायद एक झड़ गए हैं, लेकिन ये टिके हुए हैं और ये कल से खिले हुए हैं। फ्रेंड्स, कुछ फूल झड़े भी हैं, मैं कल ही सोची थी वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं बना पाई, समय नहीं मिला। तो यह देखिए, कुछ झड़ने के बाद भी एक खिला हुआ है और इसमें अभी दो कली और भी है, तीन कली है फ्रेंड्स, तीन चार कली है फ्रेंड्स, और एक फूल खिले हुए हैं। और यह देखिए, इस तरह से इसमें भी दो फूल खिले हुए हैं गुच्छे में, और एक दो फूल थे फ्रेंड्स वो झड़ गए, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और देखिए, इसमें एक गेंदा का पौधा अपने से निकल आया है फ्रेंड्स, और एक तुलसी का भी पौधा है। तो जहाँ अपने से कोई भी पौधा निकल आता है तो मैं नहीं हटाती हूँ, उसे रहने देती हूँ। और ये है मेरा अडेनियम का पौधा, यह देखिए ये लग गया है, मैं आप जब लगाई थी तो आप लोगों के साथ इसको शेयर की थी फ्रेंड्स, यह देखिए ये लग गया है। और पीछे तो मेरा कड़ी पत्ता का है, वो बहुत ही सुंदर, खूब घना और बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ कटिंग्स भी लगाई हूँ, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, धूप काफ़ी है फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए, कुछ कटिंग्स लगाई हूँ बेबी टियर का, और ये भी तो लग रहा है कि चल पड़ा है, और इसमें भी कटिंग है बेबी टियर का ही, ये देखिए दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये तो लीली का ही कोई प्रजाति है, जब फूल खिलेंगे तब पता चलेगा फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसमें भी मैं कटिंग लगाई थी, एक तो मेरा, ये देखिए एक तो मर गया फ्रेंड्स, इसमें था ड्रेसिना का कटिंग, वो नहीं चला, मनी प्लांट चल गया है। और इसमें भी मैं ड्रेसिना का एक कटिंग लगाई, ये लग गया है फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए बड़ा, ऊपर से भी बड़ा हो रहा है। और ये अपराजिता का पौधा है, उसी गमले में मैं रख दी हूँ कि इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए ड्रेसिना को, और उसमें भी कटिंग है, तो इसलिए मैं इसे अपराजिता के पौधे के साथ रख दी हूँ कि थोड़ा मोड़ा इसे धूप लगे। और इधर मेरा सन्नी का पेड़ है, और उसके बगल में ये तुलसी का पौधा है फ्रेंड्स। और इधर भी मैं कुछ कटिंग लगाई हूँ, स्पाइडर प्लांट है, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और दिखाती हूँ फ्रेंड्स इस साइड, ये देखिए यहाँ मेरा कलेंचू का पौधा लगाई थी इसमें, और इसमें पानी मैं नहीं डाली 4-5 दिन से, तो देखिए किस तरह से ये झुक गया है, और अभी मैं पानी दी हूँ तो ये फिर से खड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैं कलेंचू का कुछ कटिंग्स लगा के रखी हूँ। और ये है मेरा, ये देखिए वर्ड नेस्ट वाला पौधा, ये स्नैक प्लांट का ही एक प्रजाति है, ये पहले भी आप लोगों को दिखाई हूँ, लेकिन देखिए कितना सुंदर और घना हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा धूप आता है। और तो दो पौधा मेरा ख़राब हो गया ये, और यह देखिए ये पहले भी दिखाई हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, और ये पौधा कितना घना और पूसी होते जा रहा है, ट्रायंगल हार्ट है। और यह देखिए, इधर भी कुछ मैं कटिंग्स इस पॉट में लगाई हूँ छोटा छोटा, ये देखिए दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और ये मेरा तुलसी का पौधा, और इसमें लगा हुआ है ये 9 से 12 चलने वाले फूल, ऑफिस टाइम भी जिसको बोलते हैं, परचुल का। बस फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी वीडियो है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं मेन आप लोगों को ये बेली का पौधा ही दिखाने लाई थी कि गर्मियां तो ख़त्म हो गई है, बारिश बहुत ही हो रही थी, अभी तो कम हुई है, लेकिन एक घंटा पहले भी बारिश हुई, और बारिश के बाद कितना कड़ा धूप निकला है, फिर भी ये फूल मेरे
टिके हुए हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे आने पे, बालकनी में आने पे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है फ्रेंड्स। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कीजिए फ्रेंड्स। ओके बाय।